कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी नेता नहीं वर्ल्ड फेमस इवेंट मैनेजर हैं। चुनाव प्रचार के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। मोदी ने भाजपा को संघ परिवार से हटा के मोदी परिवार बना दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव के समय प्रचार के लिए मोदी कुछ भी कर रहे हैं। चेन्नई से लेकर हैदराबाद तक मोदी वे उद्घाटन कर रहे हैं जो पहले यूपीए की सरकार में हो चुके हैं। मोदी केवल फोटो अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। उन्होंने कहा, आडवाणी भी कहते थे कि मोदी नेता नहीं वर्ल्ड फेमस इवेंट मैनेजर है। बीजेपी ने अपने रूल को बदल दिया है। पहले संघ परिवार और बीजेपी परिवार होता था, अब केवल मोदी परिवार बन गया है। उन्होंने कहा, गुना से बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है। केपी यादव की तरह कोई बलवान आएगा और फिर सिंधिया को हराएगा। प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, आज वो तेलंगाना जा रहे हैं, एक बिजली का घर उद्घाटन कर रहे हैं। वो 2014 में मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय वो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वो वादा किया गया था, उसको वो बार बार उसी का बिजली घर का उद्घाटन कर रहे हैं। वो चेन्नई जा रहे हैं, जो कल्पाकम में हमारी परमाणु ऊर्जा की फैक्ट्री है वहाँ जा रहे हैं, उसका भी उद्घाटन 22 साल पहले हुआ था, आज फिर से उसका पुनरुद्घाटन हो रहा है प्रधानमंत्री के हाथ में। आजकल चुनाव का समय है, चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री कुछ भी बोलेंगे, फोटो अपॉर्चुनिटी से पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, ठीक 10 साल पहले गांधीनगर में भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, वो विश्व विख्यात इवेंट मैनेजर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।